दिवस की सबको शुभकामनाएं। अच्छा जानते हो बिहार दिवस कब मनाता है ना? 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। 2023 को भी बिहार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस में क्या करते हैं कि बहुत सारा जो है एक्टिविटी होता है स्कूल में कॉलेज में, ठीक है। बच्चे विभिन्न तरह की गतिविधि करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, आर्ट कल्चर ये सब का काम करते, ठीक है। तो कल जो है हम लोग बैक मूवमेंट करेंगे, पीछे दौड़ेंगे, ठीक है। कल तुम लोग करना, लेकिन आज पढ़ाई करते हैं क्या? ओके सर। हाँ तो आज हम लोग बताएंगे बच्चों, बड़ी मार मारेंगे जाके। हाँ तो हम सब सो रहा है, खड़ा हो जाए फिर से सर जी, हेलो ठीक सर। हाँ हम ये बोल रहे थे आज हम मिल्क टीथ या बेबी टीथ के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिल्क टीथ या बेबी टीथ क्या होता है बच्चों? कि बच्चा जब जन्म लेता है उसको कोई टीथ 6 महीने तक नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ सर। 6 महीने के बाद जो है टीथ यानी दांत जो है निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा। हाँ सर। वही क्या रहता है मिल्क टीथ या बेबी टीथ, उसको हम दूसरा दांत भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा साल भर 1.5 साल का हो जाता है तो उनको ऐसा ऐसा 20 दांत का सेट 20 टीथ का सेट निकलता है, इसको ही बोलते हैं बेबी टीथ या मिल्क टीथ। अरे तो तुम सो रहे हो जी, बड़ी बात बने गए सब याद है सर, जो पूछना है पूछिए सर, सब याद है, तुम्हें पढ़ा तो याद रहता है। हाँ सर। तीन नंबर भी करता रहता है। अच्छा बताओ तो, बोलिए सर जो पूछिए पूछिए। मिल्क टीथ बता दो क्या होता है सर? जो मेरे पास है बट सर आपके पास नहीं है। ये कौन ले बाबू? हाँ सर बताते हैं, तुम बता दे इसको, बता दो मिल्क टीथ क्या होता है सर? जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। कितना पढ़ाई करता तुम लोग यार जी। ए मिल्क टीथ क्या होता है? हंसेगा, मिल्क टीथ क्या होता है बताता? जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। नहीं जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। जो तुम्हारे पास है क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है? कहीं पढ़ा था हम। ए तुम बता दिए जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। नहीं है अच्छा आलम चेक करता है। जो तुम्हारे पास नहीं है। अब तुम बता दे।